सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 बजे का लाइव सेशन आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। मैं जरा घर देर से आया हूँ। तो जनाब अली, हमारा जो है मार्केट कल से लेके अभी तक अगर हम बात करें, एसएस तो इतनी ज्यादा कोई अच्छी नहीं रही है। हाँ अलबत्ता, लेकिन आज मेरे प्रीमियम मेंबर्स के लिए धमाकेदार चीजें हो रही हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर आप मेरे फेसबुक के पेज को अगर फॉलो नहीं करते तो दोस्तों, एस डबल ए क्रिप्टो के नाम से बना हुआ है, आप ये फॉलो कर सकते हैं मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 घंटे पहले ही आप लोगों को बताया कि भाई आप लोग मुझे फेसबुक के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये बिकम सपोर्टर का लिंक है, यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको, यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रीमियम क्लब है, ठीक है। इसके अंदर आपका दाखिला हो जाएगा, यहाँ पे आप जो मर्जी आए आप सीख सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पोस्ट करते हैं। अब जैसे ये देखो, यूएसडी है, यूएसडी कैड मतलब अमेरिकन डॉलर वर्सेस कनेडियन डॉलर पे ट्रेड है यहाँ पे। फिर ये आप देख सकते हैं कि भाई अली जाफरी ने बताया भाई इनको इतना प्रॉफिट परसेंटेज, इनको प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा मैंने सिग्नल दिया हुआ है, फिर उससे बाद भी सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सिग्नल्स होंगे ना आप लोगों को सारे यहाँ पे मिलेंगे। फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग हो रही है, क्रिप्टो की भी ट्रेडिंग हो रही है दोस्तों। धमाकेदार आप लोगों को यहाँ पे जो है ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे गाइड्स में जो है ना वो लर्निंग का सारा कॉन्टेंट आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बेसिक से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर ये बेसिक से आपका रिस्क मैनेजमेंट भी है आपके, फिर नीचे जाके आपका एनालिसिस भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपको इस लिंक से मिलेंगी जहाँ पे ये आप लाइव देख रहे हैं, यहीं पे ये सपोर्ट बिकम सपोर्टर का एक लिंक है, 1250 रुपये में खाली, ठीक है। 1250 में आज आप लोगों के जितने मजे आए हुए मेरे ख्याल से, और कितने और इतने और इससे ज्यादा मजे और नहीं आ सकते, ठीक है। और इसके ऊपर अभी हम लोग जो है वो फंडामेंटल्स भी अभी डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से होता है और कहाँ देख सकते हैं मार्केट के ऊपर हम। इसमें ऑन चेन एनालिसिस जो अक्सर आपको बिट नोड्स, ग्लास नोड, ये सारी जितने भी डेटा आपका होता है मार्केट का, ऑन चेन एनालिसिस जिसको कहते हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मजीद टेक्निकल एनालिसिस के लेक्चर्स और अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। पिछले हफ्ते भी 3 लेक्चर्स अपलोड मैंने किए हैं, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते भी जो है आपको 3 लेक्चर्स अभी मजीद अपलोड होते हुए नजर आएंगे। हर हफ्ते टारगेट है कि 3 नए लेक्चर्स आप लोगों को देंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें आप आराम आराम से सीख भी सकते हैं और आराम आराम से आपकी अर्निंग भी होती रहेगी, ठीक है। तो लर्निंग एंड अर्निंग, यहाँ पे आपको मछली पकड़ना भी सिखाया जा रहा है और इसके साथ साथ आपको मछली भी दी जा रही है, ठीक है। क्या मैं फेसबुक डेली लाइव होगा? जी सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। भाई लाइव सेशन सबके लिए, लाइव सेशन जो है ना वो तमाम हजरात के लिए, लाइव सेशन सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए नहीं है, लाइव सेशन सबके लिए है। आप मुझे फॉलो करना है, दैट्स इट। यूट्यूब के ऊपर मुझे आप फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको लाइव सेशन मिल जाएगा, खलास बात खत्म, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो ये था ये वाला सारा हिसाब किताब दोस्तों। जरा मार्केट की तरफ आते हैं। हाँ भाई, LPT का मैंने आपको जिस तरीके से कहा था ये थोड़ा हाई रिस्क है, हाई रिस्क तो मतलब मैंने थोड़ा नहीं, इसको अच्छा खासा कहा था कि हाई रिस्क है, और नए मेंबर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं थी ये ट्रेड। तो होपफुली जो एक्सपर्ट्स होंगे, अगर तो आपने स्पॉट में ली है तो मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ और इसको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक बाइंग करूंगा, जो कि तकरीबन $6 तक ये बनता है, जो जहाँ पे ये अभी के लिहाज से बैठा हुआ है, ठीक है, LPT। और फिर यहाँ से मुझे लगता है कि ये रिटेस्ट करने के बाद ये पंप आउट करेगा, जिसमें हमें अच्छा गेन मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसने काफी अरसे के बाद, ये तकरीबन काफी दिनों पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा हुआ था और कंसोलिडेशन कर रहा था, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने ब्रेकआउट दिया था और अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो ये अब दोबारा मुझे लगता है एक बाउंस बैक जरूर देगा, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस यूज करके एग्जिट कर दिया, कोई मसले की बात नहीं है, जितना आपको नुकसान हुआ है वो एक आध दो ट्रेड में रिकवर हो जाता है, बल्कि पहली ट्रेड में रिकवर हो जाना चाहिए, दूसरी ट्रेड तक बात जानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही होता है दोस्तों, जिस तरीके से 18% एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरे ख्याल से AMB का था, लेकिन उसके बाद ही जो आपको सिग्नल दिया था उसमें 20% प्रॉफिट हो गया था, ठीक है।
पहले टेक प्रॉफिट पे, ये नहीं कि दूसरे तीसरे टेक प्रॉफिट, ना 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 ना, पहले टेक प्रॉफिट पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज दोबारा इसी तरीके का आपको सिग्नल दूंगा मैं, और इसको जरा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई BTC के मैं मार्केट अपडेट दूंगा, फिर हम जो है 2-4 मिनट आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे, फिर आपकी सिग्नल की बारी आएगी। दोस्तों जैसी आ जाए वीडियो लाइक कर दे, ताकि आप लोगों को जैसी आए सिग्नल आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। डिस्कॉर्ड में एक ही सिग्नल आते हैं जी सर, बिल्कुल एक ही सिग्नल आते हैं, एक ही सिग्नल आते हैं, एक ही सिग्नल आते हैं, ठीक है। नहीं, आई हैवन टेकन ट्रेड टुडे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा था। जमीर भाई, कॉपी ट्रेडिंग से बेहतर है कि आप VVIP ज्वाइन कर लो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कॉपी ट्रेडिंग से बेहतर है। कॉपी ट्रेडिंग इज द लास्ट थिंग दैट यू डू। पहले आप 2-4 हजार डॉलर बना लो, उसके बाद आपने कॉपी ट्रेडिंग में 300-400 डॉलर से फॉलो करना है। समझ आ गई बात? पहले फेयर डेस्क पे आओ, पहले OKX पे आओ, वहां पे आप ट्रेडिंग करो आके, उसके बाद आपने ट्रेडिंग करने के बाद आपने कॉपी ट्रेडिंग को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम BTC की बात करते हैं। BTC के भी प्राइस चल रही है 27,300-400 डॉलर्स, एज अराउंड फिगर बात करूंगा। यहाँ पे हमारे पास 200 मूविंग एवरेज के पास BTC तकरीबन आया है, और तकरीबन आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर इसने डबल बॉटम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने आपको कल भी कहा कह के गया था कि ये तकरीबन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक रिट्रेसमेंट लेगा, और ये मुझे लगता है कि अभी भी लेगा। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग हमारे पास 27,200 डॉलर पे बैठा हुआ है, वो सॉरी 150 डॉलर्स तक बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत एंट्री ले लेनी चाहिए, अगर तो आप BTC की एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें कि भाई नीचे कितना रिट्रेसमेंट में ये नीचे जा सकता है, देखो भाई जब तक हमारे पास पहली सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होती है, हम नीचे की क्यों बात करें, ठीक है। हाँ, अलबत्ता रेडी रहना, एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर सिचुएशन के लिए रेडी होता है। मार्केट ऊपर जाती है, वो बोलता है भाई ऊपर आ जा, मार्केट नीचे जाती है, वो बोलता है भाई तू नीचे चली जा। मार्केट का आपने देखो, बच्चा है ना बच्चा, अब आपका बच्चा रोए हंसे जो भी करे, ये मार्केट आपका बच्चा है, ठीक है। मार्केट इज योर किड, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ किड। ये रोता है, आप उसके गम में गम गमगीन हो जाओ, अरे आप उसको है बहलाओ फुसलाओ कि कुछ नहीं होता, चलो ये हल्की सी चोट लगी है, वापस ऊपर खड़े हो जाओगे, वापस संभल जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जब बच्चा था, मुझे एक चीज याद है, अगर मैं कहीं गिर जाता था तो मुझे बोलते थे चूटी मर गई, है कि भाई चूटी को मार दिया तुमने। तो समझो जब मार्केट नीचे गिरती है, इसको बहलाओ फुसलाओ, इसको बोले अबे कुछ नहीं हुआ है, अबे तुमने नीचे चूटी मार दी है, ठीक है, बस बात खत्म। ये जब उठेगा, ये जब आपको सहारा देगा, तो आप बोलोगे यार अल्लाह तारा तेरा शुक्र है, ठीक है। तो जब ये ऊपर आ जाए, जब आपको सहारा देके आपको प्रॉफिट दे, तो वहां अल्लाह का शुक्र अदा करके आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, बात खत्म। आपका 5% हो, 10% हो, 15 हो, 20% हो, वट एवर, जो जो प्रॉफिट होता है आप उसमें उसमें शुक्र अल्लाह करते करते एग्जिट हो जाए, बात खत्म। सीधी सीधी सी बात है भाई, ठीक है। ये इस हिसाब से लेके आपने इस चीज को चलना है, समझ आ गई ये बात? तो BTC इस तरीके का ही है जिस तरीके का छोटा बच्चा होता है। अब जब जब ये नीचे आता है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है। लाजमी तौर पर हम एंट्री तब लेंगे, लाजमी तौर पर जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आएगा, लगभग ये 27,200 डॉलर्स तक, ठीक है। क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि ये ऊपर बैठा हुआ है, BTC प्राइस ऊपर बैठा है, मूविंग एवरेज एवरेज आउट हो रहा है थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये अभी हमारा सिनेरियो बैठा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अगर मैं सोच रहा हूँ आज आप लोगों को ट्रेड दूं, तो मुझे लगता है कि ट्रेड हमें जो देनी चाहिए वो भी कुछ इसी तरह की, इसी सिचुएशन की देनी चाहिए फिल वक्त अगर हम देखें तो, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो जो मुझे लगता है कि अभी हम अगर ट्रेड लें, तो लगभग हमें ट्रेड लेनी चाहिए यहाँ पे तकरीबन इस तरह का कुछ मैं आपको ट्रेड दूंगा आज की, अगर तो दूंगा, ठीक है। एक दो ट्रेड्स और हैं मेरे पास, लेकिन BTC पे मेरा आज थोड़ा ज्यादा फोकस है, क्योंकि BTC मुझे लग रहा है विद इन कपल ऑफ डेज और सो ये अच्छा बाउंस बैक देगा, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छा रिस्पॉन्स देगा जरूर, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों मार्केट के अंदर अगर अभी हम बात करें कि मार्केट का अगर अगला मूव क्या होने वाला है, अच्छा खासा क्या है, मतलब समझो कि मतलब यार हम बोले कि भाई क्या होगा अब, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास यही चीज है कि सबसे पहले BTC को हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे देना है,
ठीक है। और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, धड़ाधड़ सिग्नल मिलेंगे जैसे ही टेलीग्राम पे 10,000 मेंबर्स हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर 9,070 मेंबर्स हैं, जैसे ही यहाँ पे 10,000 मेंबर्स हो जाएंगे आप लोगों को धड़ाधड़ सिग्नल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो धड़ाधड़ सिग्नल्स के लिए आप लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, समझ आ गई ये बात। यार मुझे लग रहा है ये किसी ने जो है तो यार एक तो मुझे आप लोग है ना ये पता नहीं चलता है, ये मेरे ख्याल से स्टार भेजते हैं आप लोग लेकिन ये नजर नहीं आता है यहाँ पे। नॉट श्योर इफ एनीवन सेंड स्टार्स और नॉट बट वाइस इट नोटिफिकेशन। खैर बहरहाल मैं आपको बीटीसी का आपको एक चीज का मुझे एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोग को सोच रहा हूँ आज दिखाऊं नहीं तो कल दिखाऊंगा। डेली का टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा एक चीज चेक करेंगे, वो ये है कि डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर हमारे पास अभी तक जो जो सिनारियो बनता आया है उसके अंदर एक, बल्कि मैं कल ही बताऊंगा इसके बारे में आपको, ठीक है। सिग्नल की तरफ हम आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई बीटीसी का मैं अगर आपको देता हूँ तो देता हूँ, वरना हम कुछ और देखते हैं। तो मुझे जरा जल्दी जल्दी बता दो भाई आप लोगों को सिग्नल कहाँ चाहिए, ओके एक्स पे चाहिए या फिर आप लोगों को सिग्नल चाहिए फेयर डेस्क के ऊपर, फेयर डेस्क के ऊपर चाहिए या कल। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे दिया था तो आज हम ऐसे करते हैं। सलाम भाई कैसे हैं आप? वालेकुम असलाम, मैं ठीक हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप है कोई आपका? नहीं यार व्हाट्सएप ग्रुप अभी तो नहीं है। फॉरेक्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए? यार एक्सचेंज अच्छा है, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि दबीर भाई ने बोला आज इसका करने का तो आज फेयर डेस्क का करने का। मैं सोच रहा था फेयर डेस्क का करते हैं क्योंकि कल किया था उसका क्या नाम है, अल्लाह बना करें आपका यार, फेयर डेस्क पे आ जाओ भाई। 126 पे बैठा हुआ है ये, 126 से एंट्री ले जा सकते हैं, 126 से 120 तक एंट्री लेनी चाहिए अगर एसेंट का। ये अवली टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ये तकरीबन 120 तक अगर आता है या चलो 122 कर लेते हैं, अवली का हम रिस्पेक्ट करेंगे यार, 120 तक कर लेना। 3 पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है भाई इसकी, ये सिग्नल एक यार मेरे गले में टी ट्री ऑयल चला गया, मेरा जो होंठ खराब हुआ है ना इसको, क्या हो गया इसको, एक मिनट। Why does it go like that? यार चलो यहाँ से इसका नाम भी ढूंढना। अच्छा भाई MTL है हमारा आज का क्वाइन। प्यारे प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो। बता दिया है असद, असद मैंने आप लोगों को बता दिया है वीडियो के स्टार्ट में, वी डोंट रिकमेंड बाइनेंस। बाइनेंस तो भाई आपकी वाट लगा के बोलेगा अरे सॉरी सर, अरे सॉरी, वो चमारना पहले मारता है फिर बाद में आपको सॉरी करता है। बाइनेंस ऐसा है भाई, क्यों आपको इज्जत राज नहीं है आपको भाई? एक मैं देखो 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 बात सुनो, एक इज्जतदार आदमी को उसकी इज्जत, एक मेहनत की कमाई वाले को उसकी मेहनत की कमाई, ठीक है, और एक ट्रेडर को उसका प्रॉफिट, ये तीनों को, तीनों ये चीजें राज होती हैं। अगर आपकी हराम का पैसा है ना तो आप भर भर के उसको बाइनेंस में रखो, अगर हराम का पैसा है ना आपका तो भर भर के बाइनेंस के ऊपर रखो, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडर, एज अ ट्रेडर आपको अपना प्रॉफिट राज नहीं है, बाइनेंस में रखना है तो रखो, जो करना है करो, क्योंकि बाइनेंस एक अकाउंट पे उसकी विक कहीं लग रही होती है, दूसरे अकाउंट पे उसकी विक कहीं लग रही होती है, ये तो बाइनेंस की आपका हिसाब किताब है भाई, ठीक है। अच्छा जी ये MTL का मैंने पहले भी दिया था, इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से इसने ये हिट किया था इसी तरीके से ये दोबारा हिट करेगा हमारे टारगेट्स को, तो हम जरा इसको यहीं एडिट कर देते हैं। इसका आप लेवरेज 8x कर लो, आज ये थोड़ा मीडियम चलो लो ही समझ लो, चलो 8x सही है, इतना ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका थोड़ा एंट्री को थोड़ा चेंज कर देंगे, एक मिनट क्या बैठे 2677 तक कर लो चलो, ठीक है, वरना 6-9 तक कर लो, ठीक है। यहां तक आपकी पहली है,
दूसरी है 1.2 2 6 9 एंड इसका है 1.20। तीन पार्ट्स की पाएंगे, अवली टाइम फ्रेम के हिसाब की बात कर रहा हूँ। एक $1.20 तक ना ये अच्छा सपोर्ट बैठा है। एक 20 को ब्रेक करता है तो फिर वहां पे हम इसको अल्लाह हाफिज कर देंगे, लेकिन मैं अभी इसको आपको यहाँ का दे रहा हूँ। एक मिनट, स्टॉप लॉस कंसिडर आप करेंगे, अल्लाह भला करे आपका, तकरीबन 1.11 पे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम इसको भी बंद कर देंगे। चलो टेक प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भाई ये प्रीवियस जितने भी हमारे टेक प्रॉफिट थे मेरे ख्याल से ये तो सारे हिट हो गए होंगे विदाउट स्टॉप लॉस। इफ यू हैवंट यूज्ड स्टॉप लॉस, इंशाल्लाह ताला इस बार भी आपको स्टॉप लॉस की मतलब जरूरत तो शायद ना, अल्लाह ना करे स्टॉप लॉस आपका एक्टिव हो, लेकिन इट शुड बी गुड, ठीक है। 1.30, 1.33, 1.369, 1.44, ठीक है भाई। तो ये आपका टेक प्रॉफिट है, ये सारी आपकी चीजें हैं। तो अल्लाह भला करे तकरीबन 1.2 पे भी अगर आपकी एवरेज आती है तो इट शुड बी गुड। 1.11 पे आपका स्टॉप लॉस है, परफेक्ट। और ये तकरीबन आपका 1. सोच रहा 1.5 तक आपको दे दूं, ठीक है। अच्छा आपको ये गेन दे देगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। 1.8 का है, तो मैं आपको सोच रहा हूँ ये थोड़ा सा आपको लंबा दूं ताकि आपकी एवरेज थोड़ी सी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये आपके एंट्रीज हैं, तो एंट्रीज अगर हम 1. चलो 1.22 की भी अगर हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बैड एंट्री। और यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट मैंने 4 ही दिए, इस बार ऐसा करते हैं एक और चुपका ही देते हैं, ठीक है। 1.55 तक की कर देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा खासा आपको पंप कर सकता है। क्योंकि जब जब देखो ब्रेकआउट करके जब जब ये कंसोलिडेशन करता है ना, ये पंप जरूर करता है। तकरीबन $1.50 तक इसका अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, तो 1.44 तक हम निकल तो जाएंगे। शुरू के 4 तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हिट हो जाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि एक आध दो आपको लंबे भी दे दूं ताकि अच्छा खासा आपको इसका गेन भी बन जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने लंबा खींचा है आखिरी वाला, लेकिन यहाँ पे अपना सिर्फ अपने प्रॉफिट होल्ड करना है, मतलब 5-10% ही होल्ड करना है। ज्यादातर आपने वैसे भी ट्रेडिंग आप लोग करते होगे, ट्रेडिंग लाजमी किया करो, पहले आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए, अपना स्टॉप लॉस मूव कर लिया करो, तो एंट्री पे मूव कर लिया करो, ठीक है, या प्रॉफिट में ही थोड़ा सा रखा करो, ठीक है, 1-2% % प्रॉफिट पे, ताकि फीस आपकी निकल जाए, आपको 1 रुपया भी आपका नुकसान ना हो, ठीक है ना। इस तरीके से हिसाब किताब आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। प्यारे प्यारे दोस्तों वीडियो लाइक कर दें, अगर 100 लाइक सभी हो जाएंगे ना आपको 5 सिग्नल दे दूंगा मैं, तो मजाक के अलावा, लेकिन जल्दी से विद इन 30 सेकेंड्स अगर आप लोगों ने कर दिया। चलो 1 मिनट रुको, मैं जल्दी से टाइमर चलाता हूँ। टाइमर इज ऑन, 30 सेकेंड्स के अंदर 100 लाइक्स, 100 पीपल आर वॉचिंग, 100 मोर देन 100 पीपल आर वॉचिंग, 103 लोग देख रहे हैं। जल्दी से अगर आप लोगों ने 100 लाइक्स कर दिए, 5 सिग्नल दूंगा अभी के अभी, और क्वालिटी वाले। ये देखो 5 तो वैसे ही गायब हो गए, उन्होंने बोला भाई सिग्नल मिल गई, आज की रोजी रोटी हो गई, चलो भाई अल्लाह हाफिज। 5 तो ऐसी फारिग हो गए। यार यार ये जो है ना, ये वाले जो 5 लोग थे ना, ये बड़े तेज लोग हैं भाई। 30 सेकेंड गॉन, 30 सेकेंड्स आर गॉन नाउ, मतलब यार आप लोग, मैं हैरान परेशान वाली बात है। मैं 5 सिग्नल्स आपको कहा था और मैं आपको दे भी देता, ठीक है, और तबाही वाले सिग्नल्स होते, ठीक है। अब उनमें से 3 सिग्नल मिलने वाले हैं किसको, प्रीमियम मेंबर्स को, तो रेडी हो जाए प्रीमियम मेंबर्स, अब आप लोगों को सिग्नल मिलने वाले तबाही वाले, ठीक है भाई। अच्छा भाई धमाकेदार सिग्नल हो जाए आज, मास जैसा मजा आ जाए। हाँ मास्क का देखो, मैंने आपको खुद बोला धड़ा धड़ आप लोगों ने उठाना है, धड़ा धड़ मास्क की था ना, मैंने क्या किसी, मुझे खुद याद नहीं है यार, आजकल बड़ा जो है काम चल रहा है, बड़ा मेरा तबीयत अजीब सी हुई है यार। मास्क की था ना, मैंने बाय द फंगन किसके लिए बोला था, मास्क की था मेरे ख्याल से, मास्क की था मेरे ख्याल से 100%, हाँ मास्क की था, मास्क के अंदर प्रॉफिट हुआ था मुझे, ठीक है।
वो ऑर्डर सर सेट करने गए, हाँ फौरन फौरन गायब भाई, फौरन गायब। वो जो देखते हो अचानक से पांच बंदे, उन्होंने बोला ये जा वो जा, मार्केट की ऐसी की तैसी, इससे पहले कुछ और हो हम अपना तो निपटाए भाई काम। ठीक है, तो इसको आराम से 22 मिनट में देखो, तीन मैंने आज आपको तरीके से तीन एंट्री लिखी भी है भाई, जिस तरीके से ओए 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 कहाँ जा रहे हो, जिस तरीके से मैंने आपको ये लिखा है ना, इसी तरीके से मैंने आपको टेक प्रॉफिट, जिस तरीके से टेक प्रॉफिट लिखा है, इस तरीके से एंट्री पॉइंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आराम से एंट्री लो, आराम से एग्जिट करो, जल्दबाजी ना करना। चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।